आज की इस वीडियो में पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे पवित्र माना जाता है और कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वहीं सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुण पुराण में पत्नियों के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताया गया है जो उनके पति को भाग्यशाली बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं उन सभी गुणों के बारे में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वो पहला गुण जिसके बारे में गरुण पुराण में उल्लेख मिलता है वो है ग्रह दक्ष। ऐसी पत्नी जो घर के सभी उत्तरदायित्व जैसे खाना बनाना, साफ सफाई, साज सज्जा, कपड़े बर्तन धोना, बच्चों की जिम्मेदारी संभालना, मेहमानों का मान सम्मान करना और सीमित संसाधनों में घर को चलाने आदि को अच्छी तरह से जो निभाती है, ऐसी पत्नी को सुशील एवं संपन्न पत्नी माना जाता है। ऐसी पत्नी अपने पति और उसके परिजनों के लिए भाग्यशाली साबित होती है। इसके साथ ही वो जिस भी घर में जाती है वहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। प्रिय वंदना, ऐसी अर्धांगनी जो अपने पति के साथ साथ उसके परिवार का भी मान सम्मान करती हो, उनसे सही से पेश आती हो और बड़े बुजुर्गों से सहमित भाषा में बात करती हो, वो अपने इस बर्ताव से अपने पति का दिल जीत लेती है और समाज भी उसे सुलक्षणा पति के रूप में जानता है। और दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, इस तरह के व्यवहार के नियम उसके पति पर भी लागू होते हैं। पति प्राण। दोस्तों बता दें कि जो पत्नी अपने पति की सारी बातें सुनती है या फिर मानती है, साथ ही ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे उसके पति के मन को दुख पहुंचे, ऐसी गुण वाली स्त्री के लिए पुरुष कुछ भी कर सकता है और वो अपनी पत्नी की हर बात को अच्छे से सुनता और मानता भी है। चौथा, पतिव्रता। अब दोस्तों, शादी जैसे पवित्र बंधन में पति पत्नी का दिल साफ होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्री को पतिव्रता माना गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर गलत बात को भी मान लिया जाए। यदि आपका पति गलत राह पर चल रहा हो तो इस हालात में पत्नी का धर्म कहता है कि वो उसे सही राह पर लाने की कोशिश करे और इन गुण वाली स्त्री कभी भी अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। पुराणों के अनुसार ऐसी पत्नियां पति के लिए भाग्यशाली बताई गई हैं और जिस भी पत्नी में ये सभी गुण पाए जाते हैं वो देवतुल्य कहलाती है। अब दोस्तों, ये तो हमने जाना कि स्त्री के अंदर इन गुणों से पता चलता है कि वो अपने पति के लिए भाग्यशाली होगी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में उन महिलाओं के बारे में भी बताया गया है जो अगर आपकी पत्नी बन जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं उन अवगुण वाली स्त्रियों के बारे में जो अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित नहीं होती। पहली है कटु वचन बोलने वाली। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री के मुख से कड़वे वचन ही निकलते हो उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में आकर हमेशा कलेश ही पैदा करती हैं। इन स्त्रियों को परिवार बनाकर रखना नहीं आता और जिस भी घर में ऐसी स्त्रियां रहती हैं, उस घर में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, इसीलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में जिस स्त्री को आप पत्नी बनाना चाहते हैं उसके संस्कारों पर खासा जोर डाला गया है। अगर आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र पर नजर डालें तो उसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और वहीं बुरे संस्कार वाली उसी स्वर्ग को नर्क में बदल सकती है। ऐसी स्त्री परिवार के साथ साथ आपका सब कुछ तबाह कर सकती है, इसीलिए ऐसी महिलाओं से शादी करने से बचें। तो दोस्तों, अब आपको इस समझ में आ गया होगा कि किन महिलाओं से शादी करनी चाहिए और किन महिलाओं से नहीं करनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ।